कारण नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह के खिलाफ नहीं की गई है। इस कारण मजबूरन आबूपाल के समस्त व्यापारी एवं आबूपाल के विभिन्न समाजों द्वारा आबू बंद का आह्वान करके मौन जुलूस निकालना पड़ा। इस ज्ञापन के बाद भी अगर आप द्वारा कोई कठोर और कानून की समस्त कार्रवाई नहीं की गई तो आबूपाल के समस्त व्यापारियों एवं आबूपाल की जनता को मजबूरन अनिश्चितकाल बंद करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन और का सहारा लेना पड़ेगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए आप और आपकी सरकार प्रशासन जिम्मेदार होगी। अतः आप श्रीमान से पाते हैं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कठोर कानून समक्ष कार्रवाई संबंधी खिलाफ करने का आदेश फरमाए। नहीं की गई है। इस कारण मजबूरन आबूपाल के समस्त व्यापारी एवं आबूपाल के विभिन्न समाजों द्वारा आबू बंद का आह्वान करके मौन जुलूस निकालना पड़ा। इस ज्ञापन के बाद भी अगर आप द्वारा कोई कठोर और कानून की समस्त कार्रवाई नहीं की गई तो आबूपाल के समस्त व्यापारियों एवं आबूपाल की जनता को मजबूरन अनिश्चितकाल बंद करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन और का सहारा लेना पड़ेगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए आप और आपकी सरकार प्रशासन जिम्मेदार होगी। अतः आप श्रीमान से पाते हैं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कठोर कानून समक्ष कार्रवाई संबंधी खिलाफ करने का आदेश फरमाए। अप्रैल 2018 को समस्त माउंट आबू चारों तरफ के पूरे एरिए बंद है। गुरु शिक्षा रचलगढ़ अदर देवी दिलवाड़ा पूरा माउंट आबू हम तो धन्यवाद देंगे उन लोगों को भी जो शत प्रतिशत बंद करने में उन्होंने सहयोग दिया है। प्रत्येक नागरिक ने सहयोग दिया है, उनका बार बार आभार प्रकट करते हैं हम लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए, अरेस्ट किया जाए, पद से मुक्त किया जाए। होना भी यही चाहिए। अगर यही चीजें अगर किसी और व्यक्ति ने कही होती तो आप एक्शन ले लेते ना, शायद लेते। विजय गोठवाल जी ने भी जो आप रोड में कहा वो गलत कहा, ब्राह्मणों के राजपूतों के विरुद्ध उन्होंने माफी मांगी है। पता नहीं लोगों ने माफ किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने तो वो भी अभी तक नहीं कोशिश की है कि आबू वालों से जो कि जिनको ठेस पहुंची है उनसे माफी मांगे या कोशिश करें। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। ये व्हाट्सएप वगैरह मैसेज को हम नहीं मानते हैं, फैक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी बना के दे सकता है, किसी के नाम से भी दे सकता है। तो आगामी समय में अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता है तो आबू की जनता इससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन बंद करेगी। आज तो आपने देखा कि सिर्फ शांति जुलूस था हमारा, मौन जुलूस था और 100% सफल रहा है ये, आप पूरे गांव में देखिए जाके। थैंक यू, जय हिंद।